पॉकेट एफएम पे आप सुन रहे हैं एक अनोखी कहानी मेरे साथ यानी आरजे श्वेता के साथ। कुछ देर उनसे बातें करके और उनके साथ वोडका पीने के बाद युचिका उन दोनों से बोलती है, वैसे एक बात तो है, मुझे वोडका पीने में कभी इतना मजा नहीं आया जितना तुम दोनों के साथ आ रहा है। अरे तो तुम भी तो हमारी फ्रेंड हो, लेकिन पहले ये बताओ कि हम तीनों अपनी इस गैंग का नाम क्या रखें। इतना कहकर वीडी सोचने लगती है, तभी डीजे मुस्कुराकर ड्रिंक्स सर्व करते हुए कहता है, योर ड्रिंक्स वोडका गर्ल्स। ये सुनकर सभी एक साथ चिल्ला पड़ती है, वाह डीजे क्या नाम बताया है, वाव वी आर नाउ वोडका गर्ल्स। तीनों हाथों में वोडका शॉट्स लेकर चीयर्स करते हुए एक साथ कहती है, वोडका गर्ल्स के लिए चीयर्स। अपने ड्रिंक्स खत्म करके तीनों बैठी रहती है, तभी वैदी अपनी कार की कीज उठाते हुए कहती है, चलो युचिका तुम्हें बियर पिलाते हैं हमारी स्पेशल प्लेस पर, और हमारी दोस्ती की पार्टी आज मेरी तरफ से। नहीं तुम नहीं, मैं दूंगी पार्टी, आखिर तुम जैसे कमाल के फ्रेंड्स जो मिले हैं मुझे आज, तो पार्टी तो मेरी तरफ से ही होगी और मेरी ही गाड़ी में चलेंगे। इतना कहकर युचिका अपनी कार की चाबी उठा लेती है। सबीना दोनों लड़कियों के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, ठीक है इस बार तुम दोनों दे दो, मगर कल मुझे एल्बम मिल जाएगी तब उसके बाद मैं पार्टी दूंगी। और तीनों लड़कियां गाड़ी में बैठकर निकल पड़ती है। पहले तीनों एक बियर की दुकान से बियर का कार्टन लेती है और फिर उसके बाद तीनों जूहू बीच पर जाती है और उस खास जगह पर पहुंचती है जहां से सामने समंदर का पानी और उसमें तैरती चांद की तस्वीर दिखाई देती है। साथ ही बड़े बड़े पत्थरों से घिरी हुई है ये जगह, किसी की भी नजर में नहीं आती थी। तीनों वहीं पर जाकर बैठ जाती है। वो जगह देखकर युचिका हैरान होकर उनसे पूछती है, वाह क्या जगह है ये, तुम लोगों को ये जगह आखिर मिली कैसे। इस पर सबीना उससे कहती है, इस जगह पर मुझे एक लड़की मिली थी जो कि एक राइटर थी, फिर जब मैंने वीडी को ये जगह दिखाई तो ये हम दोनों की फेवरेट हो गई। दोनों की नहीं, अब तीनों की। ये बोलकर युचिका बियर की बॉटल्स निकाल लेती है। बियर पीते हुए वीडी युचिका से कहती है, वैसे तुम्हारा भी कोई निकनेम रखना होगा, युचिका काफी बड़ा नाम है, क्या बोलती सना। और फिर कुछ देर सोचकर बोलती है, क्यों ना हम तुम्हें युची कहे। सना भी उससे एग्री होती है और कहती है, हाँ ये तो अच्छा है, चीयर्स फॉर सना वीडी एंड युची। तीनों बियर्स की बॉटल उठाकर एक साथ चीयर्स करते हैं। सना कुछ सोचते हुए युचिका से पूछती है, तो युची तुम अपनी कंपनी को लॉस से कैसे निकालोगी। युची बियर का सिप लेते हुए बोलती है, फिलहाल कुछ सोचा भी नहीं है, लेकिन एक कंपनी है बैंगलोर में, वो अपने लिए मुंबई में पार्टनर ढूंढ रही है, इसलिए सोच रही हूँ कि मैं उसके साथ टाइप कर लूं। इससे कंपनी को थोड़ी बहुत मदद मिलेगी और इस घाटे से भी उभर पाऊंगी। फिर सना वीडी से पूछती है, और वीडी तुम्हारा क्या प्लान है। वीडी बियर पीते हुए जवाब देती है, सेक्स पार्टी और मौज मस्ती, अपना तो बस यही फंडा है। युची हंसते हुए सना से पूछती है, और तुम्हारा क्या प्लान है सबीना उस्मानी जी। सना मुस्कुराते हुए जवाब देती है, कुछ खास नहीं, अगर सब कुछ सही रहा तो कल एक एल्बम में गाने का मौका मिलेगा, जिसे देखकर किसी म्यूजिक डायरेक्टर की तो नजर मुझ पर चली ही जाएगी, फिर पैसा भी और फेम भी। यही बातें करते करते तीनों ऐसे ही रेत पर लेट जाती है और आसमान को देखने लगती है। कुछ देर बाद युचिका खड़ी होकर दोनों से बोलती है, चलो घर चलते हैं, काफी लेट हो गया है। हाँ सच में काफी लेट हो गया है, हम तीनों को चलना चाहिए। ये बोलते हुए वीडी और सना भी खड़ी हो जाती है। युचिका एक्साइटेड होकर बोलती है, क्यों ना तुम दोनों आज मेरे घर डिनर करो और फिर वहीं रुक जाना, और वहां कुछ और ड्रिंक से हमारी नाइट पार्टी भी हो जाएगी। वैसे भी मैं घर में अकेली रहती हूँ तो वहां तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इस पर सना कहती है, नहीं इट्स ओके युची, हम दोनों घर चले जाएंगे। युचिका उन्हें इंसिस्ट करते हुए बोलती है, अरे एक बार चलो तो सही, तुम्हें अच्छा लगेगा ये मेरी गारंटी है, और फिर मेरे यहाँ कोई है ही नहीं तो तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। उसके बाद सुनकर वैदी कहती है, अरे डरने की तो कोई बात ही नहीं है, बस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है हमारी नाइटिंगेल, लेकिन कोई नहीं हम चलेंगे। ऐसा कहकर वो तीनों युचिका के घर जाने के लिए निकल पड़ती है। युचिका का बंगलो अंधेरी ईस्ट के सबसे पॉश एरिया में होता है।
जैसे ही तीनों युचिका के बंगलों पर पहुंचती है तो युचिका का डॉबरमैन एकदम से सबीना और वैदेही को देख भौंकने लगता है, जिससे डरकर सबीना जोर से चिल्ला देती है। युचिका डॉबरमैन को चुप कराते हुए कहती है, हुश मार्शल, दीज आर माई फ्रेंड्स सना एंड वीडी, डोंट बॉदर देम, दे विल स्टे विद अस टुनाइट। ऐसा कहकर युचिका अपने सर्वेंट्स को आवाज लगाती है और डिनर का अरेंजमेंट करने को कहती है। नौकर जी मैम साहब कहकर चला जाता है। सना, वीडी और युची तीनों ही युची के बार में से बियर की बॉटल्स लेकर पीने बैठ जाती है। थोड़ी देर में नौकर आकर खाने के लिए कहता है और तीनों खाना खाने चली जाती है। खाना खाने के बाद सब युची के रूम में आ जाती है और सना कहती है, रात बहुत हो गई है, अब सोया जाए, मुझे तो वैसे भी कल एग्रीमेंट साइन करने के लिए संतोष से मिलना है, पहले ही असाइनमेंट के एग्रीमेंट के लिए मैं लेट नहीं होना चाहती। सब एक दूसरे को गुड नाइट कहकर सो जाती है। अब आगे क्या होगा? क्या सना टाइम पर पहुंच पाएगी? क्या यूची की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी? सुनते रहिए आगे की कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पॉकेट एफएम पे आप सुन रहे हैं एक अनोखी कहानी मेरे साथ यानी आरजे श्वेता के साथ। सुबह सुबह युचिका के डॉग मार्शल के भौंकने की आवाज से सबीना की नींद खुल जाती है। सबीना उठकर खिड़की से कर्टन्स को हटा देती है और विंडो पैंस को ओपन कर देती है। सुबह की ठंडी सी हवा उसके गालों को छूकर गुजरती है और उसे एक नई ताजगी का एहसास होता है जो इतने दिन मुंबई में रहने पर उसे कभी नहीं हुआ। वो टहलते हुए रूम से बाहर निकल जाती है और लॉन में हरी घास पर चलते हुए सनराइज का लुफ्त उठाती है। उसे बाहर घूमता देख एक युचिका का नौकर आकर उसे चाय कॉफी के लिए पूछता है तो वो मना कर देती है। काफी देर तक यूं ही घास पर टहलने के बाद वो वापस रूम में चली जाती है और युचिका और वीडी को जगा देती है। युचिका अपने रूम में रखी बेल को प्रेस करके एक नौकर को बुलाती है और सबके लिए कॉफी मंगवाती है। थोड़ी देर में एक नौकर उन्हें कॉफी दे जाता है। कॉफी पीते हुए सबीना कहती है, युची तुम्हारा बंगलो तो बहुत ही पॉश एरिया में बना हुआ है और लॉन तो बहुत ही शानदार है। इस पर युचिका उससे कहती है, हाँ बिल्कुल, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, चलो कॉफी पीने के बाद मैं तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ। तभी वीडी उसे मना करती हुए कहती है, युची बंगलो तो हम फिर कभी देख लेंगे, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, आज तो पहले सना का एग्रीमेंट साइन हो जाए जिसके लिए हमें टाइम पर पहुंचना है, और सबसे पहले तो हमें फ्लैट पर जाकर रेडी होना होगा। एंड ऑल दिस विल कंज्यूम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, यू नो ना कि मुंबई का ट्रैफिक कैसा है। ये सुनकर युचिका खिलखिलाकर हंस देती है और कहती है, अच्छा ठीक है, और बाय द वे तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बंगलों में तुम लोगों के लिए कपड़े नहीं मिलेंगे? माय डियर, रॉय एंटरप्राइजेस अभी मुश्किल हालात से गुजर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेस्टीज के लिए कपड़े तक का अरेंजमेंट नहीं कर सकती। ये कहकर युचिका उन्हें एक वार्डरोब खोलकर देती है जिसमें बहुत ही शानदार कपड़े टंगे हुए हैं। सना और वीडी अपनी साइज के कपड़े निकाल लेती है और रेडी होने चली जाती है। तब तक युचिका अपने सर्वेंट्स को ब्रेकफास्ट रेडी करने को कहकर खुद भी रेडी होने चली जाती है। तीनों थोड़ी देर के बाद डाइनिंग टेबल पर मिलती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद युचिका उन दोनों को बंगलों का कुछ पार्ट दिखाती है और उसके बाद तीनों अपने अपने काम के लिए निकल जाती है। सबीना एग्रीमेंट साइन करने के लिए वीडी सबीना को स्टूडियो छोड़कर क्लब के लिए और युचिका रॉय एंटरप्राइजेस के ऑफिस के लिए। तीनों अपने अपने काम फिनिश करके प्ले बॉय क्लब में मिलने का डिसाइड करती है। एग्रीमेंट साइन करने के बाद सबीना कैब से क्लब पहुंचती है जहां वीडी और युची उसका ही वेट कर रहे होते हैं। सबीना को आते हुए देखकर वीडी कहती है, यार सबीना तू कब टाइम पर आना सीखेगी बेबी? यार बस वो एग्रीमेंट रीड करने में टाइम लग गया, तू भी ना यार सच में हद करती है। ये बोलते हुए वीडी क्लब में चली जाती है और उसके पीछे पीछे युची और सना भी क्लब में चली जाती है। तभी सना एकदम से चौंक जाती है क्योंकि हर तरफ हॉट एंड सेक्सी बॉडी वाले लड़के ही शराब और खाना सर्व कर रहे थे और कुछ शर्टलेस लड़के तो फ्लोर पर डांस कर रहे थे और टेबल्स पर बैठी लड़कियों को फ्लाइंग किस दे रहे थे। सना घबराती हुई पूछती है, वीडी ये कैसा क्लब है? इसे कहते हैं मुंबई का प्ले बॉय क्लब बेबी, जस्ट एंजॉय गर्ल्स। इतना कहकर वीडी फ्लोर पर जाकर डांस करने लगती है। सबीना अपने चारों तरफ देखते हुए खुद से कहती है,
ये कहां फंसा दिया इसने। सना की तरह युची को भी वहां अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो दोनों वीडी को आवाज देती है और वहां से निकलने के लिए बोलती है। वीडी गुस्से से दोनों को बाहर ले जाती है और चिढ़ते हुए कहती है, आखिर क्या हो गया है तुम दोनों को? आई डोंट फील कंफर्टेबल यार, प्लीज यहाँ से चलते हैं। सबीना इतना कहकर गाड़ी की तरफ जाने लगती है। वीडी युची के साथ उसके पीछे आती हुई पूछती है, अच्छा तो कहाँ चलना है तुम लोगों को? इस पर सबीना मुड़कर उसे चिल्लाती हुई बोलती है, अरे हम वोडका गर्ल्स हैं, तो वोडका पिएंगी अपने रूम पर चलकर। वीडी टॉन्ट मारते हुए बोलती है, उफ, इस लड़के का कुछ भी नहीं हो सकता सच में। चिल बेबी, वो हम जैसी नहीं है, यू ऑलरेडी नो दैट। युचिका इतना कहकर कार में बैठ जाती है। तो कब बनेगी ये हमारी तरह? ये कहते हुए वीडी भी कार में बैठ जाती है। युचिका हंसते हुए कार चलाना स्टार्ट कर देती है। कुछ देर बाद ही सबीना उसे रुकने का इशारा करती है और कार से उतरकर एक होटल से केक और खाने के कुछ पैकेट्स पैक करा लेती है। युचिका और वीडी भी कार से निकलकर सबीना को देखते रहते हैं। फिर सबीना सड़क के पास खड़े बच्चों को, जो कि वही पास के स्लम एरिया के थे, खाना और केक दे देती है। क्या लड़की है यार, अगर ये लड़का होती ना, कम से कम मैं तो इससे शादी कर लेती, वीडी बड़े सीरियस मूड में कहती है, जिसे सुनकर युचिका हंसने लगती है और कहती है, किसी को तो छोड़ दे वीडी। सबीना वापस आती है और चुपचाप कार में बैठ जाती है। तू भी ना सबीना, सच में बहुत ही अलग टाइप की लड़की है, ये बोलकर युची उसके गालों को खींचती है। सना मुस्कुराते हुए थैंक्स बोलती है और तीनों घर पहुंच जाती है। वीडी दोनों को वोडका देते हुए कहती है, तुम लड़कियां पता नहीं कब बड़ी हो जाओगी, और साला तुम लोगों के चक्कर में आज मेरे हाथ से वो हॉट एंड सेक्सी लड़के निकल गए। सबीना उसे समझाते हुए कहती है, ये सब शादी के बाद ही अच्छा लगता है। सना की इस बात पर वीडी को हंसी आ जाती है, सना तू तो पहले अपना इलाज करा। इस पर सना उसे जवाब देती है, भाई मेरे लिए तो ये सब अलग है, और वैसे भी ऐसा कोई लड़का मिलना भी तो चाहिए जिसे देखकर पेट में तितलियां नाचने लगे। सो क्यूट। इतना कहकर युचिका बेड से उठ जाती है और म्यूजिक ऑन कर डांस करने लगती है, और फिर वीडी को खड़ा करके उसके साथ रोमांटिक डांस करती है, जिसे देखकर सना बस हंसती रहती है। तभी वो दोनों उसे भी डांस के लिए बेड से नीचे ले जाती है और फिर तीनों लड़कियां हिप हॉप करती है। मस्ती करते करते तीनों को पता ही नहीं चलता कि कब शाम से रात हो जाती है, और फिर वीडी और युचिका दोनों रूम में बेड पर सो जाती है और सना बाहर जाकर सोफे पर ही सो जाती है। अब आगे क्या होगा? क्या युचिका, सना और वैदी ही तीनों को उनका सच्चा प्यार मिल पाएगा? क्या युचिका अपनी कंपनी को बचा पाएगी? क्या वैदेही को उसका प्यार मिलेगा? क्या सना एक फेमस सिंगर बन पाएगी? सुनते रहिए आगे की कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पॉकेट एफएम पे आप सुन रहे हैं एक अनोखी कहानी मेरे साथ, यानी आरजे श्वेता के साथ। अगले दिन सुबह मुंबई में हल्की हल्की बारिश हो रही है। वीडी और युचिका एक बेड पर एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है और सना बाहर एक सोफे पर सो रही है। तभी वीडी की नींद खुल जाती है और वो अपनी आंखें मलते हुए देखती है कि वो युचिका के साथ लेटी हुई है, जिसे देखकर वो हंसने लगती है। उसकी हंसी सुनकर युचिका भी नींद खुल जाती है और वो ये देख हैरान हो जाती है कि उसके एक टांग वीडी के ऊपर रखी हुई है। जैसे ही वीडी ये देखती है कि युची उठ चुकी है, वो चिल्लाना शुरू कर देती है, हाय रब्बा, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई, मुझे क्या पता था कि रॉय कंपनी की मालकिन युचिका रॉय मेरी इज्जत लूट लेगी, अब मुझसे कौन शादी करेगा। इतना कहकर वीडी युची को आंख मारती है, शट अप, उल्टा तूने मेरी इज्जत लूटी है। युचिका भी हंसते हुए खड़ी हो जाती है, लेकिन इस ड्रामे में सबीना पूरी तरह से डर कर उठ जाती है और अंदर रूम में आकर घबराते हुए उनसे पूछती है, हे व्हाट हैपेंड गाइस, इज एवरीथिंग ऑल राइट? नथिंग सना, बस अपनी वीडी को दौरे पड़ते हैं कभी कभी, युची हंसते हुए अपने नाइट वेयर का श्रक पहनते हुए कहती है। यू जस्ट शट अप यार, तुम दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया था। इतना कहकर सबीना सबके लिए कॉफी बनाने लगती है। जस्ट चिल गाइज, आई वाज जस्ट किडिंग। इतना कहकर वीडी फ्रिश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। तभी सना कमेंट करते हुए कहती है, वैसे आज वीडी कुछ अलग ही मूड में लग रही है। ये सुनकर वीडी स्माइल करते हुए दोनों को बताती है, क्योंकि आज मेरी एक लड़के के साथ डेट है, सो या आई एम फीलिंग हैप्पी।
तुम्हारी तो हर रोज किसी ना किसी से डेट होती रहती है, इसमें नया क्या है? ये बोलते हुए सना दोनों को कॉफी पकड़ाती है। नहीं यार, इस बार मैं सीरियसली सीरियस हूँ। ये शायद वैसा लड़का है जैसा कि मैं चाहती हूँ। वीडी कॉफी पीते पीते जवाब देती है। क्या बात है वीडी, मतलब घर बसाने का जुगाड़ कर रही हो तुम। ये बोलकर यूची सना की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। अरे यार, ये घर वर बसाना मेरा टाइप नहीं है। हाँ, अगर लड़का अच्छा हो तो लॉयल रहूंगी, फिर क्या पता घर का नंबर भी मिल जाए। वीडी हंसते हुए उसे जवाब देती है। ये सुनकर सना उससे पूछती है, ये हुई ना बात, इसका मतलब शाम का खाना नहीं बनाना है तुम्हारे लिए, है ना? हाँ, लेकिन आज तुम्हें क्लब जाकर सब संभालना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी ही निकल रही हूँ और रात को ही वापस आऊंगी, वो भी थोड़ा देर से। ओके बॉस। इतना कहकर सना फ्रेश होने चली जाती है। चलो गाइस, आई हैव टू लीव नाउ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डेट वीडी एंड सी यू सून सना। इतना कहकर युचिका अपने घर चली जाती है। कुछ ही देर में वीडी भी तैयार होकर निकल जाती है और सभी ना भी क्लब के लिए रवाना हो जाती है। वीडी एक कार में बैठी होती है जहां पर वो अपनी बॉयफ्रेंड सुनीत से मिलती है। वो सुनीत को हग करती है और फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। व्हाट डू यू वांट टू हैव, सुनीत मेन्यू वीडी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है। मोइटो और वाइट इटालियन पास्ता। वीडी बिना मेन्यू ओपन किए अपना ऑर्डर उसे बता देती है। गुड। इतना कहकर सुनीत वेटर को इशारे से बुलाता है और दो मोइटो और दो वाइट इटालियन पास्ता का ऑर्डर देता है। वेटर के जाने के बाद सुनीत शिकायती लहजे में कहता है, तो आखिरकार तुमने मुझे मौका दे ही दिया यार, कब से हम दोस्त हैं और फिर मेरा तुम्हें हजारों बार प्रपोज करना, मतलब सच में यार तुमने मुझे बहुत घुमाया है। इस पर वीडियो से बोलती है, अच्छे और लंबे चलने वाले रिश्ते को परखने के लिए लंबा टाइम चाहिए होता है सुनीत। आई एग्री मिस ब्यूटी। इतना कहकर सुनीत वैदी को देखता रहता है। तभी वेटर ऑर्डर लेकर आ जाता है और दोनों खाते हुए बातें करने लगते हैं। सुनीत की बातों से लगता है कि सुनीत लड़कियों को केवल एक टूल समझता है और प्लेबॉय टाइप का है, लेकिन फिर भी वैदी वैसे तो माइंड नहीं करती क्योंकि वो भी ऐसे का ही कांड कर चुकी है, लेकिन फिर भी वो ऐसे लड़कों को ज्यादा पसंद नहीं करती क्योंकि ऐसे लड़के लड़कियों को डोमिनेट करना चाहते हैं और वीडी खुद डोमिनेटिंग नेचर की है, इसलिए वो उसकी बातों से थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील करती है, लेकिन फिर भी उसे मौका देना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि एक दिन की मुलाकात किसी इंसान के कैरेक्टर को डिसाइड नहीं कर सकती। कहाँ खो गई, सुनीत एकदम से उसे पूछता है। कहीं नहीं, बस ऐसे, वैदी अपने एक्सप्रेशन छुपाते हुए बोलती है। अच्छा चलो, कोई फिल्म देखने चलते हैं, अभी तो हमारे पास मैटिनी शो के लिए एक घंटा है। इतना कहकर सुनीत खड़ा हो जाता है। वैसे तो वैदी को फिल्म देखना कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ चली जाती है। दोनों एक फिल्म देखकर बाहर निकलते हैं। वैदी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि सुनीत उसका हाथ पकड़ता है। लेकिन क्या उसने ये गलती से किया था या जानबूझकर? मूवी खत्म होने पर यही सब सोचती हुई वैदी थिएटर से बाहर आ जाती है। सुनीत हल्के से वैदी के गले में हाथ डालता है। वैदी अनकंफर्टेबल हो जाती है, इसलिए वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं। डिनर के बाद जब सुनीत उसे घर छोड़ने के लिए जाता, तब वो कार में उसे छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वैदी अपना चेहरा पीछे कर लेती है। सुनीत उसके ऐसे रिएक्शन से हैरान होकर उससे पूछता है, क्या हुआ? कुछ नहीं, मगर मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कुछ हो पाएगा, सॉरी सुनीत। इतना कहकर वैदी गाड़ी से उतरकर अपने घर के लिए चली जाती है। कमीनी साली, इसको तो अब सबक सिखाना ही होगा, सुनीत पीछे से गुस्से में गाली देता है। जैसे वैदी अपने फ्लैट में एंटर होती है, उसे सामने सोफे पर सबीना और युचिका बैठी हुई दिखाई देती है, जो शायद उसका ही इंतजार कर रही थी। उसे देखकर दोनों एक साथ बोल उठती है, लो वीडी भी आ गई। युचिका तुरंत ही पूछती है, क्या बात है वीडी, कैसी रही तेरी डेट? मत पूछ यार, बहुत बुरी, शायद पूरी से भी बुरी हो गई है। ये बोलते हुए वीडी भी सोफे पर बैठ जाती है। उसे परेशान देखकर सना पूछती है, क्यों, क्या हुआ? वीडी टेबल पर रखी चॉकलेट खाते हुए कहती है, यार पता नहीं, बस वो वैसा ही लड़का था जैसे सब होते हैं, मतलब वो मेरे टाइप का नहीं था। इस पर युचिका हंसते हुए कहती है, OMG, तेरा कोई टाइप भी है? प्लीज शट अप यार, तुम लोगों को कुछ बताना ही बेकार है। इतना कहकर वीडी गुस्से में खड़ी हो जाती है। युचिका उसका हाथ पकड़ते हुए पूछती है, अच्छा अच्छा बता क्या हुआ? छोड़ो यार, ये बोलकर वीडी सना की गोद में अपना सिर रखकर लेट जाती है। दूसरी तरफ युचिका भी अपना सिर सना के गोद में रख देती है।
सना दोनों के सिर पर थपकी देते हुए बोलती है, तुम दोनों को सो जाना चाहिए अब। युचिका वीडी से फिर पूछती है, वैसे सच में तुझे किस तरह का लड़का पसंद है वीडी? वीडी उसका जवाब देते हुए बोलती है, ऐसा तो समझदार हो जिसे सेक्स और पैसे से ज्यादा लड़कियों की फीलिंग्स की कदर हो, साथ ही वो लड़की की इज्जत करना जानता हो। उसकी बात सुनकर सना और युचिका दोनों हंस पड़ती है और वीडी मुंह फेर कर गुस्सा होकर सो जाती है। क्या वैदी को उसका प्यार मिल पाएगा? सुनते रहिए आगे की कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पॉकेट एफएम पे आप सुन रहे हैं एक अनोखी कहानी मेरे साथ यानी आरजे श्वेता के साथ। सुबह उठकर वीडी कॉफी बना रही है जबकि सना और युची अभी तक सोकर नहीं उठी है। तभी अलार्म की आवाज आती है जिस वजह से सना और युची की नींद टूट जाती है। सना जल्दी से खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखती है, फिर एक गहरी सांस लेकर वापस आ जाती है। युचिका उसे देख चौंक कर पूछती है, क्या हुआ सना? सना हंसते हुए जवाब देती है, अरे आज सूरज कहीं पश्चिम से तो नहीं निकल आया, बस यही देखने आई थी। युचिका को कुछ समझ नहीं आया, क्या मतलब? मतलब ये कि आज सबसे पहले हमारी वीडी कैसे उठ गई, और तो और वो हमारे लिए कॉफी भी बना रही है। इतना कहकर सना हंसने लगती है और युचिका भी हंस पड़ती है। कम ऑन गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जल्दी भी उठ जाती हूँ और कॉफी भी अच्छी बना लेती हूँ। वैसे भी सना, तुमने तो पहले भी पी हुई है ना, लो टेस्ट करो तुम दोनों मेरी स्पेशल कॉफी। इतना कहकर वीडी कॉफी का कप युचिका और सबीना को पकड़ा देती है। कॉफी पीते पीते युचिका वीडी को चिढ़ाते हुए बोलती है, वैसे ये तो हम देख ही रहे कि आजकल तुम बदली बदली से लग रही हो और अजीब हरकतें भी करना शुरू कर चुकी हो। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, वीडी सोफे पर बैठते हुए कहती है। युचिका यार क्यों परेशान करी उसे, तुझे पता है ना उसकी जिंदगी में प्यार की कितनी कमी है, सना हंसते हुए कहती है। तभी वीडी एक सोफे से एक कुशन उठाकर सना पर फेंकती हुई बोलती है, शट अप, और युची और सना हंसने लगती है। अच्छा गर्ल्स, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, शाम को मेरे बंगले पर आ जाना, वहीं बैठकर वोडका पिएंगे। इतना कहकर युचिका अपना बैग उठाकर चली जाती है। आज मेरा क्लब में सिंगिंग परफॉर्मेंस है, सो आई हैव टू लीव डार्लिंग, ये बोलकर सना भी रेडी होने चली जाती है। तभी वीडी का फोन रिंग करने लगता है जिसे वो डिस्कनेक्ट कर देती है। मैं भी साथ में एक क्लब चलती हूँ, घर पर बोर हो जाऊंगी, इतना कहकर वीडी भी तैयार होने लगती है। दोनों रेडी होकर क्लब जाने के लिए निकल जाती है और पूरे रास्ते वीडी का फोन लगातार रिंग होता रहता है। ये देखकर सबीना उससे पूछती है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे यार, सना उसकी चिंता करते हुए उसे फिर से पूछती है। क्या सुनीत बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है? नहीं उसका नहीं है, उसका नंबर तो मैंने ब्लॉक कर दिया है। फिर क्या बात है? तब वीडी उसे बताती है, मेरे पापा का फोन आ रहा है। सबीना मुस्कुरा कर कहती है, अरे ये तो अच्छी बात है, अपने पापा से बात करो ना फिर। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी क्योंकि वो हर किसी को बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं और हमेशा अपनी चलाते हैं, मम्मी पर भी और मुझ पर भी। इसलिए मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिस पर मैं अपनी चलाऊं, लेकिन वो मुझ पर ना चला पाए। ये चलना और चलाना छोड़ वैदे ही, क्योंकि जब प्यार होता है ना तो कुछ भी पता नहीं चलता। ये डोमिनेटिंग बिहेवियर भी केवल प्यार ही लगता है। तेरी ये फेरी टेल वाली इमेजिनेशन बंद कर सना, और मेरे अकॉर्डिंग तो प्यार उससे करना चाहिए जो तुमसे करे, समझी? ये बोलकर वीडी उसके सर पर मारती है। आउच, पर मारा क्यों? ताकि तू अपने सपनों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आ सके। इस पर सना फिर उसे समझाने लगती है, नहीं वीडी, ऐसा नहीं होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि हम केवल उसी से प्यार करते हैं जो हमसे प्यार करता है, तो उस प्यार में स्वार्थ छिपा है, ये तो केवल लेने का देना है। लेकिन यदि हम उससे प्यार करते हैं जो हमसे प्यार नहीं करता, तो वो निस्वार्थ प्यार है। जैसे मम्मी पापा बचपन से ही सेल्फलेसली हमसे प्यार करते हैं, और सच पूछो तो उनके बिहेवियर में सेल्फलेसनेस नहीं होती। ये सुनकर वैद्य भी हंसने लगती है और उससे कहती है, लेकिन रियलिटी यही है कि जो प्यार मैंने बताया वो ही प्यार है, समझी सना? सबीना उसकी आंखों के सामने हाथों को हवा में फिराते हुए बोलती है, तुम जैसे आजकल के बच्चे प्यार मोहब्बत को समझ नहीं पाते, लेकिन प्यार वो है जो राधा कृष्ण का था। ये सुनकर वीडी हंसकर हैरानी से उसे पूछती है, सना तू मुस्लिम है ना? सबीना अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मिचमिचाते हुए कहती है,
ऑफ कोर्स हूँ, मगर ये कहाँ लिखा है कि मुस्लिम होकर मैं कृष्ण को नहीं पढ़ सकती या उनके प्रेम को नहीं जान सकती। सच बोलू तो मैंने स्कूल में उनकी एक कहानी सुनी थी, उसी से मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है। प्यार वो होता है जिसमें एक को दर्द मिले तो दूसरे के आंखों में आंसू आ जाए। समझी माई डार्लिंग वीडी? सना बेबी, पहले तो तू ये बॉलीवुड मसाला टाइप मूवीज देखना बंद कर दे, क्योंकि तेरा दिमाग आजकल बिल्कुल उल्टा चल रहा है। ये कहते हुए वीडी कार क्लब की पार्किंग में लगा देती है। दोनों जैसे ही क्लब में एंटर करते हैं तभी वीडी का फोन फिर से बजने लगता है, लेकिन इस बार सबीना उसका फोन रिसीव कर लेती है। वीडी उसे गुस्से से देखती रह जाती है। हेलो अंकल जी, मैं वैदे की दोस्त बोल रही हूँ। हाँ जी, वो यहीं पर है, ये लीजिए, उससे बात करिए। इतना कहकर सना वीडी को फोन देकर अंदर क्लब में चली जाती है। वीडी फोन पर एक अजीब आवाज के साथ हे डैड बोलती है। वीडी के डैड उससे बोलते हैं, बेटा हमने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है, लड़का काफी अच्छा है। आई नो कि तू मुझसे गुस्सा है, लेकिन सिर्फ एक बार तू उससे मिल तो ले, वो बिल्कुल आपकी पसंद का है, ऊपर से काफी शरीफ भी है। आपसे किसने कहा कि मुझे शरीफ लड़का पसंद है? सच बोलू डैड, मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन वैदे ही वो लड़का बहुत अच्छा है, तो कल उससे रोज कैफे में मिल ले, मैंने ऑलरेडी टेबल बुक कर दी है। ये सुनकर वीडी उनसे बोलती है, ठीक है, मगर पहले मैं उससे बात करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं उसका नंबर सेंड करता हूँ। इतना कहकर वैदे के पिता कॉल कट देते हैं। अरे यार, ये डैड भी ना। वैदे ही ये सोचते हुए क्लब में चली जाती है, तभी उसके नंबर पर एक बीप के साथ मैसेज ब्लिंक करता है, जिसमें किसी विवेक का नंबर होता है। अब आगे क्या होगा? क्या वैद्य ही अपने डैड की बात मानकर उस लड़के से मिलेगी? क्या वो लड़का वैद्य ही को पसंद आएगा? क्या सना के प्यार वाली बातों को वैद्य समझ पाएगी? सुनते रहिए आगे की कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पॉकेट एफएम पे आप सुन रहे हैं एक अनोखी कहानी मेरे साथ, यानी आरजे श्वेता के साथ। शाम का समय, वैदेही अपना काम खत्म करके सना के साथ क्लब में बैठी होती है, तभी वैदेही के पास एक फोन आता है। वीडी फोन हाथ में रखकर बैठी रहती है और फोन रिंग होता रहता है, तो सना उससे पूछती है, क्या हुआ, अब किसका फोन है जो तू उठा नहीं रही है? तब वीडी सना को उसके डैड से हुई पूरी बात बता देती है और उस लड़के के बारे में भी बता दी है जिसका नंबर उसके डैड ने सेंड किया था। साथ ही ये भी बताती है कि ये कॉल उसी लड़के का है। इस पर सना उससे कहती है, अरे वाह वीडी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तूने, लेकिन तू उसका फोन क्यों नहीं उठा रही? वीडी की तरफ से कोई जवाब ना आने पर सना उसे समझाती है, अरे यार ऐसा भी क्या हो गया, बात ही तो करनी है, कौन सा शादी करनी है, जैसे दूसरे लड़कों से बात करती है वैसे इससे भी कर ले, समझ आए तो ठीक, नहीं तो वो अपने घर और तू अपने। वीडी को सना का ये सजेशन समझ आता है और इस बार फोन के रिंग होने पर वो रिसीव कर लेती है। और एक बार जो वीडी से उसकी बात स्टार्ट होती है तो उसे टाइम का पता ही नहीं चलता कि वो कितनी देर से अनजाने शख्स से बात कर रही है, जिसे उसके पापा ने उससे शादी करने के लिए देखा है। बहुत देर बाद सना खुद ही आकर उसे घर चलने को कहती है, तो वो उस दुनिया से बाहर निकलती है। फिर दोनों फ्लैट पर जाकर डिनर करती है और सो जाती है। अगले दिन विडी सुबह जल्दी उठ जाती है, क्योंकि उसे विवेक से मिलने की बहुत एक्साइटमेंट होती है। यूं तो उसे लड़के केवल किसी शो का आइटम लगते हैं, जिनके साथ घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, सेक्स करो और छोड़ दो। लेकिन विवेक उसे उन लड़कों से कुछ अलग लगा। जब से वीडी ने विवेक से बात की है, उसे एक अलग ही एक्साइटमेंट हो रही है। अगर वोडका गर्ल्स की तिकड़ी ना होती तो शायद उसके लिए ये रात निकालनी ही मुश्किल हो जाती। मगर कहां रात पूरी तरह से निकल भी नहीं थी कि वीडी तो उठकर बैठ गई और विवेक के ख्यालों में खो गई। उस विवेक के जिसके अभी तक वो केवल आवाज ही सुन पाई थी। जाने कैसी कशिश थी उस आवाज में कि वीडी जैसी लड़की भी उसे अट्रैक्ट हो गई थी और उस आवाज के मालिक को एक नजर देखने भर के लिए बेताब हो उठी थी। इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई थी वीडी जब सना की आंख खुली। वीडी को यूं बैठा देख उसने उससे पूछा, क्या हुआ वीडी, कहाँ गुम है? सना के अचानक बोलने से वीडी चौंक जाती है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए कहती है, अरे नहीं कहीं भी तो नहीं, बस यूं ही जरा जल्दी नींद खुल गई थी।
इस पर सना उसे छेड़ते हुए कहती है, तुझे तो झूठ बोलना भी नहीं आता विडी, तेरे फेस से साफ दिखाई दे रहा है कि तू विवेक से मिलने के लिए मर जा रही है। अगर उसकी आवाज सुनकर ये हाल है तेरा तो सामने देखकर तू होश में ही नहीं रह पाएगी। वीडी उसकी बात से साफ इनकार करते हुए बोलती है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यूं ही। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सना बोल पड़ती है, रहने दे वीडी, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू सपने देख, मैं कॉफी लाती हूँ। जब सना कॉफी लेकर आती है तो देखती है कि वीडी अब तक ऐसी बैठी है, तो वो उसे कॉफी देते हुए कहती है, वीडी ख्यालों से निकल, रेडी हो जा, कहीं ऐसा न हो कि तेरा दूल्हा तेरे ख्यालों में ही रह जाए और विवेक तेरी राह देखते हुए बिना मिले ही चला जाए। ये कहकर सना खिलखिलाकर हंस देती है, पर वीडी भड़क जाती है और फिर जल्दी से कॉफी खत्म करके दोनों रेडी होने चली जाती है। थोड़ी देर में वीडी अच्छे से रेडी होकर आती है और सना से बोलती है कि वो आज भी जाकर क्लब संभाल ले, जिसके लिए सना हाँ कर देती है। वीडी सना को क्लब ड्रॉप करती है और विवेक से मिलने के लिए निकल जाती है। रोज कैफे पहुंचकर वीडी पहले से ही बुक की हुई टेबल पर जाकर बैठ जाती है और विवेक का वेट करती है। विवेक से मिलने के एक्साइटमेंट में वो एक घंटा जल्दी यहाँ पहुंच जाती है और उसके आने तक 4 कॉफी पी चुकी होती है। एग्जैक्ट 10 बजे वीडी का फोन रिंग करने लगता है। जैसे वो उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है कि फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और तभी एक लड़का 6 feet हाइट, फेयर कॉम्प्लेक्शन, ब्लैक हेयर ऑल सेट विद जेल, डिसेंट लुकिंग, गेट से एंटर होके सीधा वीडी के पास पहुंचता है और कहता है, हेलो वैदे जी, कैसी हैं आप? आई होप आपको मैंने इंतजार नहीं कराया। उसकी आवाज सुनकर वैदे उसे पहचान जाती है और अपनी चेयर से उठने लगती है, लेकिन विवेक के मना करने पर बैठी रह जाती है और फिर कहती है, सिट ना, एंड आई एम फाइन, और नहीं आपने इंतजार नहीं करवाया, यू आर एग्जैक्टली ऑन टाइम, मैं ही थोड़ा जल्दी आ गई थी। बस यूं ही दोनों में कुछ बातें होती है जिसमें ज्यादातर टाइम दोनों खामोश ही रहते हैं। खामोशियों में डूबकर मिल रही है जुबां, खामोश निगाहों सा मजा शब्दों में कहा, शायद पहली नजर का प्यार इसे ही कहते हैं, जिसको अभी तक वीडी पागलपन करार दिया करती थी। और रही बात विवेक की, तो वो वीडी को देखते ही उसमें खो गया। ऐसा होता भी क्यों नहीं, आखिर वीडी आज कयामत जो ढा रही थी। रेड कलर की उस सिंपल सोबर ड्रेस में भी आज वो बेहद खूबसूरत लग रही होती है। शायद ये खामोशियों का सफर यूं ही चलता रहता अगर वेटर बीच में ना कूद पड़ता। तभी विवेक मेनू कार्ड वीडी की तरफ बढ़ा देता है। वीडी केवल एक कॉफी ऑर्डर करती है जिसे विवेक 2 में कन्वर्ट करता है और वेटर को कुछ स्नैक्स अरेंज करने को कहता है। वो लोग खा ही रहे होते हैं कि विवेक के फोन पर किसी का कॉल आता है, जिसे अटेंड करने के बाद वो नेक्स्ट मीटिंग के लिए फोन पर डिसाइड करने का कहकर वहां निकल जाता है। कुछ ही देर में वीडी क्लब पहुंचती है, जहां सना पहले से ही उसका इंतजार कर रही है और उसके आते ही वो सवालों की बौछारों से उसका वेलकम करती है। विवेक कैसा था, कुछ बात बनी? वो दिखने में कैसा है, तुझे कैसा लगा, तेरे रोज के बॉयफ्रेंड्स जैसा तो नहीं है ना? उसके एक साथ इतने सवाल सुनकर वैदी अपने कानों पर हाथ रख लेती है और इशारे से उसे थोड़ा रुकने को कहती है, लेकिन सना को तो पहले आज की उसकी विवेक से हुई मुलाकात के बारे में सब कुछ जानना होता है। उसका एक्साइटमेंट देखकर वीडी शुरू से एंड तक उसे हर बात एक ही सांस में बता देती है और साथ ही कहती है, सना बेबी अब तो सब कुछ बता दिया, अब तो पानी या कॉफी कुछ मंगवा दो। उसकी ये बात सुनकर सना जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है, जिसे देख वीडी खुद ही वेटर को बुलाकर पानी और 2 कॉफी का इंतजाम करने को कहती है। योची शाम को उन दोनों को ज्वाइन करती है, जहां सना वीडी के डैड के फोन से लेकर वीडी और विवेक की मुलाकात तक का पूरा चिट्ठा उसके सामने खोल देती है, जिसे सुनकर योची वीडी की खूब टांग खिंचाई करती है, जिसमें सना उसका पूरा सपोर्ट करती है। उसके बाद वो देर रात तक जुहू बीच पर ड्रिंक्स और मस्ती करने के बाद तीनों यूची के बंगलों पर जाकर सो जाती है। आगे क्या होगा, क्या वैदेही और विवेक का पहली नजर का प्यार पूरा हो पाएगा, क्या यूची काका घाटे में जा रहा बिजनेस पटरी पर आ पाएगा, क्या सबीना एक फेमस सिंगर बन पाएगी? सुनते रहिए आगे की कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर। पॉकेट FM पे आप सुन रहे हैं एक अनोखी कहानी मेरे साथ, यानी RJ श्वेता के साथ।
रात की मूसलाधार बारिश के बाद सुबह सुबह मुंबई में अब हल्की हल्की फुहारे गिर रही है। मौसम भी खुशनुमा हो गया है। सना, विडी और युची तीनों युचिका की किंग साइज बेड पर सोई हुई है। खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही है। कभी कभी हवा के तेज झोंकों के साथ बारिश की कुछ बूंदे भी अंदर आ जाती है जो उन तीनों के चेहरों पर गिरती है, लेकिन वो सब तो जैसे मदहोश होकर सो रही है। आखिर सोए भी क्यों नहीं, रात को देर तक तीनों बातें जो करती रही थी, और ड्रिंक्स स्पेशली वोडका तो जैसे उनकी जिंदगी का हिस्सा इस तरह बन गई है जैसे हर किसी को सांसों की जरूरत होती है, उन्हें ड्रिंक्स की जरूरत है। अचानक ही एक तेज हवा का झोंका खिड़की के रास्ते रूम में एंटर होता है और अपने साथ लाई बारिश की बूंदों से वीडी का चेहरा भिगो देता है जो खिड़की की तरफ मुंह करके सोई थी। अचानक हुए इस पानी के हमले से वीडी हड़बड़ाकर उठ जाती है और देखती है कि उसका पूरा चेहरा पानी से भिगा हुआ है, जिसे वो रूम में ही रखी एक फेस टॉवल से साफ करती है। वीडी वापस सोने की कोशिश करती है क्योंकि वो एक हसीन ख्वाब में खोई थी जो उसके नेचर के बिल्कुल अपोजिट बात है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। विडी देखती है कि सबीना और युचिका अभी तक सोई है, तो वो टेबल पर रखे जग में से पानी लेकर उन दोनों के ऊपर डाल देती है, जिससे वो दोनों एकदम से उठकर बैठ जाती है और विडी जोर जोर से हंसने लगती है। उसे हंसते देख सना और युची को सब समझ आ जाता है और वो दोनों जग का पूरा पानी उसी पर उड़ेल देती है और फिर तीनों ही जोर जोर से हंसने लगती है। अब तीनों भीगी हुई होती है और इसलिए एक एक करके बाथरूम में चली जाती है। सबसे पहले वीडी भागती है। रूम में सना और युची ही रह जाते हैं जो वीडी की हरकतों के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी सना कहती है, यार युची, ये वीडी को क्या हो गया है? क्या वो सचमुच ही प्यार में पड़ गई है या कोई भूत जिन का साया है इसके ऊपर? ये तो हाथ से निकलती जा रही है। ये कहकर सना हंस पड़ती है और तभी वीडी टॉवल लपेटे हुए रूम में एंटर होती है और कहती है, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना मैं प्यार में पागल हूँ, ना ही मुझ पर किसी भूत प्रेत का साया है। ये तो बस तुम दोनों की यारी का नशा है जो मेरे सिर पर चढ़कर बोल रहा है। और तीनों हंसने लगती है और एक दूसरे को हग करती है। फिर सना और उसके बाद युची नहाकर रेडी होती है। रेडी होने के बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर कॉफी पीते हुए ब्रेकफास्ट का वेट करती है और पूरे दिन का स्केड्यूल डिस्कस करती है। वीडी को करने के लिए आज ज्यादा काम नहीं है। वो सिर्फ सना को संतोष के स्टूडियो छोड़कर क्लब जाएगी, जहां आज संतोष सना को रिकॉर्डिंग के रिलेटेड कुछ टिप्स देने वाला है, जिसे पूरा करके वो भी क्लब पहुंचेगी। युची की कल एक बिजनेस मीटिंग है जिससे रिलेटेड काम निपटा कर वो भी शाम को क्लब में ही उन दोनों से मिलेगी। ब्रेकफास्ट करके तीनों अपने अपने काम के लिए निकल पड़ती है। युचिका अपने कंपनी के ऑफिस पहुंचती है और अपने केबिन में जाकर सेक्रेटरी को बुलवाती है और आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करने के लिए कहती है। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है और वो सेक्रेटरी से सबको कॉन्फ्रेंस रूम में असेंबल होने के लिए कहकर उसे भेज देती है और कॉल रिसीव करती है। वो कॉल पर सामने वाली की सारी बात को सुनती है और लास्ट में कहती है, ओके, यू डोंट गेट वरीड, मिस्टर अगस्त्य को यहाँ कोई भी परेशानी नहीं होगी। I will personally manage everything. He will definitely like our company and our work environment. ऐसा कहकर वो फोन रख देती है और ऑफिस बॉय को बुलाने के लिए बेल प्रेस करती है। ऑफिस बॉय उसके लिए कॉफी लेकर आता है और उसे बताता है कि सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में उसका वेट कर रहे हैं। युचिका जल्दी से अपनी कॉफी खत्म करके कॉन्फ्रेंस रूम में जाने के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचती है, सभी अपनी सीट से उठकर उसे विश करते हैं। वो सबको विश करके बैठने को कहती है। वो वहां रखे पानी के गिलास में से एक सिप लेती है और फिर कहती है, गाइस, आप सभी जानते हो कि अभी हमारी कंपनी बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन फिर भी आप लोग एक फैमिली की तरह मेरे साथ हो। हमारी भी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द कंपनी के हालात सुधर जाए, जिसके लिए हम बेंगलुरु की एक कंपनी से टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कहकर युचिका एक मिनट का पॉज लेती है और पानी की एक सिप लेकर फिर से शुरू करती है। बैंगलोर की जिस कंपनी से हम बात कर रहे हैं, वो लोग मुंबई में अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाहते हैं और इस सिलसिले में उनके सीईओ हमारी कंपनी को विजिट करने वाले हैं। हमें उनके सामने अपने वर्क कल्चर को इस तरह शो करना है कि वो फर्स्ट टाइम में ही इम्प्रेस हो जाए और ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और की झोली में ना गिरे।
अगर ऐसा होता है तो हमें लॉन्ग पीरियड तक का काम मिलेगा और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कल सुबह 9 बजे की फ्लाइट से वो यहाँ पहुंचेंगे। मैं पर्सनली उन्हें रिसीव करूंगी और होटल ड्रॉप करूंगी। ये सारी बातें कहकर वो सभी को उनके काम समझाने लगती है और फिर कॉन्फ्रेंस डिसमिस करके अपने केबिन में आकर बैठ जाती है और ऑफिस बॉय को एक और कॉफी लाने के लिए बोलती है। कॉफी पीकर युचिका वहां से क्लब जाने के लिए निकल जाती है, जहां सना और वीडी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तीनों साथ में ड्रिंक्स लेती है और फिर बाहर डिनर करके घर के लिए निकल पड़ती है। आगे क्या होगा? क्या युचिका सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाएगी? क्या युचिका को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल पाएगा? टू नो मोर स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। रोज हो रही बारिश से मुंबई को आज थोड़ा ब्रेक मिला है, लेकिन फिर भी मौसम में ना तो तपिश है ना ही नमी है, बल्कि बहुत ही हसीन रोमांटिक सा मौसम है जिसमें कैसा भी मन खिल उठे। और यहाँ तो हमारी वीडी पहले ही प्यार के रंग में सराबोर हो रही है और सबसे आखिर में जागने वाली वीडी सबसे पहले उठकर विवेक को गुड मॉर्निंग का मैसेज भी भेज चुकी है और उसके रिप्लाई का बेताबी से इंतजार कर रही है। तभी युचिका अंगड़ाई लेती हुई जाग जाती है, जो रात को सना और वीडी के साथ उनके फ्लैट पर ही आ गई थी। और तभी विवेक का गुड मॉर्निंग का मैसेज वीडी के मोबाइल पर आ जाता है, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इधर युची वीडी को यूं फोन को देखते हुए स्माइल करता देख उसकी टांग खींचने के इरादे से कहती है, मोहब्बत की कशिश भी क्या खूब गुल खिलाती है, नींद में भी दिलबर के ख्यालों को ख्वाबों में सजाती है। हे जालिम, अब यू जुल्म ना कर मेरी प्यारी सहेली पर, तन्हाई का आलम मिटा दे अब तो इसके पास आकर। युची के अचानक ऐसे शेर बोलने पर सबीना की नींद भी खुल जाती है और वीडी के गाल शर्म से टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं, जैसे युची ने उसकी कोई चोरी रंगे हाथ पकड़ ली हो। वीडी का चेहरा देख युची और सना जोर से हंस देती है। उन दोनों को हंसता हुआ देखकर वीडी उनको मुक्का दिखाते हुए कहती है, कैसी कमीनी दोस्त हो तुम, यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और तुम दोनों हो कि मुझे परेशान किए जा रहे हो। कोई बात नहीं, हर कुत्ते का दिन आता है, मेरा भी आएगा। यूं कहकर पैर पटकते हुए वॉशरूम में घुस जाती है और सना कॉफी बनाने किचन की तरफ चली जाती है। तभी युचिका का फोन बीप करने लगता है, जिस पर रिमाइंडर शो होता है कि उसे आज एयरपोर्ट पहुंचकर मिस्टर अगस्त्य को रिसीव करना है। और वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और वॉशरूम का दरवाजा पीटने लगती है। वीडी जल्दी कर, मुझे एयरपोर्ट जाना है मिस्टर अगस्त्य को रिसीव करने, तू बाद में चली जाना, प्लीज अभी निकल, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। उसकी आवाज सुन वीडी अंदर से चिल्लाती है, अरे कमीनो, यहाँ तो चैन लेने दो। ये सुनकर युची हंसने लगती है और फिर से जोर जोर से दरवाजा पिटने लगती है, जिसे सुनकर सना कॉफी लेकर वहां आ जाती है और कहती है, क्या हो गया है तुम दोनों को, तू क्यों दरवाजा तोड़ने में लगी हुई है युची, और वीडी तू क्या अंदर जाकर सो गई है क्या, या फिर वापस विवेक के ख्यालों में खो गई है। इधर युची सना की बात सुनकर उसके हाथ में से कॉफी का एक मग लेकर हॉल में आकर काउच पर बैठ जाती है। सना भी विडी को कॉफी के लिए आवाज देकर युची के पास ही काउच पर बैठ जाती है और कहती है, हदे यार, तुम दोनों ने तो बच्चों की तरह हंगामा मचा रखा है, हर वक्त कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती रहती हो। उसकी बात सुनकर युची मुस्कुरा देती है और तभी विडी वहां आ जाती है और युची को खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए कहती है, साली वहां भी डिस्टर्ब करने से बाज नहीं आती तू तो युचिका हंसते हुए उससे कहती है, तो तेरी तरह कौन वहां जाकर सोता है, कभी तो ख्यालों से निकलकर हमारी भी सोच, चल अब कॉफी पी, वरना तेरे ख्यालों के चक्कर में ये भी ठंडी हो जाएगी। तीनों अपनी अपनी कॉफी खत्म करती है और तभी युची के मोबाइल पर फिर से रिमाइंडर की बीप बजने लगती है, जिसे सुनकर वो बंदूक से निकली गोली की तरह वॉशरूम में घुस जाती है और नहाकर टॉवल में ही बाहर आ जाती है, जिसे देख वीडी उसे कहती है, इस तरह किस पर बिजली गिराने का इरादा है जाने मन। युचिका उसकी बात का जवाब दिए बिना ही उसकी वार्डरोब ओपन करके उसमें से एक शानदार ब्लू कलर की ड्रेस निकालती है और जल्दी से रेडी हो जाती है। उसे इस तरह रेडी हुआ देख वीडी फिर से स्माइल करती हुए कहती है, क्या बात है डार्लिंग, मेरी आदत तुझे लग गई है क्या, सुबह सुबह इतना सज धज कर डेट पर जा रही है क्या। तो युची कहती है, अरे नहीं स्वीटी, वो डिपार्टमेंट तो तेरा ही है, मुझे तो एक क्लाइंट को रिसीव करने जाना है एयरपोर्ट, अब तेरे कपड़ों में ही ये ढंग का मिला तो इसे ही लपेट लिया। और ये कहकर वो वीडी को आंख मार देती है और उन दोनों को यूं ही बैठा छोड़ एग्जिट गेट की तरफ बढ़ जाती है।
बाहर जाते हुए वो सना और विडी को कहती है, बाय, विल जॉइन बोथ ऑफ यू इन द क्लब आफ्टर डिनर। इस पर सना और विडी एक साथ बोलती है, ओके, विल वेट। यूची एयरपोर्ट पहुंचती है और वहां जाकर लाउंज में बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइट का वेट करती है, जो मौसम खराब होने के कारण एक घंटा लेट है। बोरियत से बचने के लिए वो अपने मोबाइल को ईयरप्लग से कनेक्ट करके पॉकेट एफएम स्टार्ट करती है और इस पर एक न्यू शो सुनने लगती है, जो कि एक फीमेल ओरिएंटेड शो है, और साथ ही वहां पर की एक कॉफी का भी ऑर्डर कर देती है। वो कॉफी फिनिश करके बिल पे कर देती है और वापस उसी शो को सुनने लगती है। अभी दो एपिसोड्स ही पूरे हो गए थे, तभी एक अनाउंसमेंट होता है कि बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइट थोड़ी देर में रनवे पर लैंड करने वाली है, जिसे सुनकर युची अपने ईयरप्लग्स को डिस्कनेक्ट करके अपने हैंडबैग में डाल देती है और अपने पास रखा मिस्टर अगस्त्य के नाम का बोर्ड उठाकर अराइवल पर जाकर खड़ी हो जाती है, जहां बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइट के सभी पैसेंजर लाइन में आ रहे होते हैं। आगे क्या होगा? क्या युचिका की कंपनी को वाकई कोई हेल्प मिल पाएगी? क्या सना का करियर उड़ान भरेगा? क्या वीडी और विवेक की जोड़ी बन पाएगी? सुनते रहिए आगे की कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पॉकेट एफएम पे आप सुन रहे हैं एक अनोखी कहानी मेरे साथ यानी आरजे श्वेता के साथ। युचिका मिस्टर अगस्त्य के नाम का बोट लेकर अराइवल एरिया में खड़ी उसका वेट कर रही होती है, तभी वो देखती है कि बहुत ही हैंडसम लड़का, हाँ उसे लड़का ही कहेंगे क्योंकि शक्ल, सूरत और उसके ड्रेसिंग सेंस से तो वो कंपनी का सीईओ लग ही नहीं रहा था, वो उसके ओर बढ़ा चल आ रहा है, ऊपर से नीचे तक एक सांचे में ढला हुआ यंग, जिसने अभी अभी जवानी में कदम रखा हो, लंबा चेहरा, फिट बॉडी, आंखों पर ब्लैक शेड्स लगाए, वेस्टर्न कल्चर से पूरी तरह इन्फ्लुएंस्ड, ये लड़का एकदम से युची के सामने आकर खड़ा हो जाता है और युची उसके अचानक सामने आ जाने से चौंक पड़ती है। तो वो लड़का उसके हाथ में पकड़े हुए बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, हेलो, आई एम अगस्त्य, सीईओ ऑफ अगस्त्य एंटरप्राइजेस फ्रॉम बेंगलुरु। उसके इस तरह कहने पर हैरान हुई युची एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखती है, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि किसी कंपनी का सीईओ ऐसा भी दिखाई दे सकता है। उसने तो सोचा था कि अगस्त्य कोई 40-45 साल का आदमी होगा, जिसे इम्प्रेस करने के लिए उसे अपनी एड़ी चोट का जोर लगाना पड़ेगा, मगर नहीं, ये तो केवल 23-24 साल का यंग लड़का है, जो इतना डैशिंग है कि लड़कियां तो उसे देखते ही उसकी दीवानी हो जाए, और इसके सिक्स पैक एब्स तो माशाल्लाह किसी भी लड़की के ख्वाब पूरे होने जैसे लगते हैं, और इसके बाल तो जैसे चॉकलेटी हीरो शाहिद कपूर के सामने होने का एहसास कराते हैं। रोज जाने कितनी लड़कियों में इसको देखने की होड़ लगती हो, यहाँ एयरपोर्ट पर ही देख लो, जब से ये एंटर हुआ है लड़कियों की नजर इस पर से हटी नहीं रही है। युची को यूं ख्यालों में खोए हुए और उसकी बात का कोई भी रिप्लाई ना करते देख वो लड़का, जो कब से अपना नाम अगस्त्य बता रहा था, उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए बोलता है, हेलो मिस, क्या आप ही युची का रॉय है, रॉय एंटरप्राइजेस की ओनर? इस बार युची के मुंह से हड़बड़ी से निकल जाता है, मैं ही युचिका हूँ, क्या आप मिस्टर अगस्त्य हैं? उसका ये रिएक्शन देख अगस्त्य जोर से हंसने लगता है, जिससे उसके वाइट दांत शाइन करते हुए दिखाई देते हैं, और फिर वो युचिका की नकल करते हुए कहता है, जी मैं हूँ अगस्त्य, और यही बात तो मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस हैंडसम लड़के को अपनी नकल करते देख युचिका चिढ़ जाती है और उसे सॉरी कहकर बाहर की तरफ चलने के लिए इशारा करती है और पूरे रास्ते केवल उसके बारे में ही सोचती है, लेकिन साथ बैठे अगस्त्य से कोई बात नहीं कर पाती। कुछ देर बाद वो होटल पार्किंग में कार पार्क करके उसके साथ रिसेप्शन तक जाती है, जिससे कि वो अगस्त्य का उस रूम में चेक इन करवा सके जो वो पहले से ही अपने स्टाफ से बोलकर उसके लिए बुक करवा चुकी थी। सुनते रहिए आगे की कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पॉकेट एफएम पे आप सुन रहे हैं एक अनोखी कहानी मेरे साथ यानी आरजे श्वेता के साथ। रिसेप्शन पर जाकर वो फॉर्मेलिटीज पूरी करती है और रूम की कीज अगस्त्य को देते हुए उसे कहती है, मिस्टर अगस्त्य, रिफ्रेश योरसेल्फ एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू हियर इन द लाउंज, देन वी विल हैव सम ब्रंच इन द होटल्स रेस्टोरेंट एज इट्स क्वाइट लेट फॉर द ब्रेकफास्ट। इस पर अगस्त्य उसे कहता है, एज यू से माय लेडी,
और अपने रूम की तरफ चला जाता है। युचिका बस उसे पीछे से देखती रह जाती है। थोड़ी देर में वो कोट पैंट पहने, शेज लगाए, बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह ब्रीफकेस पकड़े वो लिफ्ट से बाहर निकलता है। युचिका कब से उसके इंतजार में उसी ओर देख रही होती है और उसे देखते ही खड़ी हो जाती है। उसे देखकर वो मन ही मन में सोचती है, किसी का ड्रेसिंग सेंस कैसे उसकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर देता है। अभी थोड़ी देर पहले इसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये किसी कंपनी का सीईओ हो सकता है, और अब देखो। युचिका ये बातें सोच ही रही थी कि अगस्त्य उसके फेस के सामने अपना हाथ वेव करता है, जिससे वो अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। फिर वो दोनों होटल के ही फर्स्ट फ्लोर पर बने रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहां जाकर ब्रंच के लिए ऑर्डर कर देते हैं। अभी तक उन दोनों में फॉर्मल बातचीत के अलावा कोई भी बात नहीं हो पाई थी। युचिका खामोश देख अगस्त्य उससे कहता है, मिस युचिका, aren't you kind of bored? तो युचिका भी अपने as usual अंदाज में उसका रिप्लाई दिए बिना कहती है, मिस्टर अगस्त्य, do you have some issue in your eyes? तो अगस्त्य हड़बड़ा जाता है। उसे उम्मीद नहीं होती युचिका के ऐसे क्वेश्चन की, मगर वो संभाल कर शायराना अंदाज में बोलता है, जी मेरी आंखों में नुक्स तो नहीं कोई, मगर लड़कियां खो जाती है इन्हें देखकर। आपको खोने से बचाने के लिए चढ़ा रखा है मैंने ये काला चश्मा इन पर। युचिका अगस्त्य के इस अंदाज का जवाब उसी के अंदाज में देती है, अजी रहने दीजिए, नुक्स को छिपाने को लगता है काला चश्मा, कोई पूछे तो लगते है बनाने वो खूब बहाना। युचिका के ऐसा कहते ही अगस्त्य अपनी आंखों से शेड्स हटाते हुए कहता है, मोहतरमा, हम आपके कहने पर हटा तो रहे हैं, मगर फिर ये ना कहिएगा कि अब बचाओ कोई इनमें डूबने से। जैसे वो शेड्स हटाता है, युचिका उन आंखों में देखते हुए जाने कहां खो जाती है। बिल्कुल सच ही तो कहता था अगस्त्य, झील से गहरी उन आंखों में जाने कैसा नशा था, जो एक बार देख ले फिर उनमें से निकलने का जी ही ना चाहे। अजीब सा हिप्नोटिज्म था अगस्त्य की उन नीली आंखों में ही, कि कोई भी लड़की उनमें डूब जाना चाहती हो। युची को खोया देख अगस्त्य वापस अपने शेड्स पहन लेता है। इसे युची को जैसे कोई झटका सा लगता है और वो अपनी नजरें झुका लेती है। तब तक वेटर उनका ऑर्डर सर्व करके चला जाता है, जिसे खत्म करने तक युचिका बिल्कुल चुप रहती है और अगस्त्य भी उसे नहीं छेड़ता। अब आगे क्या होगा? क्या युचिका के मन में प्यार की शुरुआत हो रही है? क्या अगस्त्य उसे केवल परेशान कर रहा है, या उनके मन में भी कोई ख्वाहिश है? जानने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल पॉकेट एफएम पर, जहां आप सुन रहे हैं वोट कागल्स, आपके पसंदीदा आरजे श्वेता की आवाज में। पॉकेट एफएम पे आप सुन रहे हैं एक अनोखी कहानी मेरे साथ, यानी आरजे श्वेता के साथ। खाना फिनिश करने के बाद जैसे ही युचिका बिल पे करने के लिए हाथ बढ़ाती है, तो अगस्त्य बिल्कुल लगभग उसके हाथ से छीन ही लेता है और कहता है, मैडम, हमारे रहते आप बिल पे करो तो लानत है हमारे यहाँ होने पर। उसकी हरकतें देख और इस बात को सुनकर युचिका सरप्राइज रह जाती है, मगर फिर खुद को संभालते हुए कहती है, मिस्टर अगस्त्य, आप हमारी गेस्ट हैं, आपसे हम बिल कैसे पे करवा सकते हैं? जब हम आए बेंगलुरु तो शौक से बिल पे कीजिएगा, हम मना भी नहीं करेंगे, मगर अभी तो हम ही बिल पे करेंगे। लेकिन अगस्त्य नहीं मानता और अल्टीमेटली युचिका को उसके आगे हार माननी पड़ती है, क्योंकि अभी तक उसे अगस्त्य समझ नहीं आया था और वो उसे नाराज करने का रिस्क नहीं उठा सकती थी। आखिर अगस्त्य ही तो था जो उसे और उसकी कंपनी को प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प कर सकता था। बिल पे होने के बाद युचिका अगस्त्य की ओर देख उसे चलने का इशारा करती है। दोनों कार में बैठकर युचिका की कंपनी की ओर चले जाते हैं। वहां जाकर युचिका अगस्त्य को अपने स्टाफ में सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है और अपनी कंपनी विजिट करवाती है। कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स जानने के बाद दोनों युचिका की केबिन में बैठे कॉफी पी रहे होते हैं, जहां अगस्त्य उससे कहता है, मिस युचिका, यू हैव डेफिनेटली मैनेज्ड योर कंपनी वेरी वेल एंड यू विल रीच द हाइट्स वेरी सून। आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना हमारी खुशकिस्मती होगी। वी विल टुगेदर टच द स्काई ऑफ दिस इंडस्ट्री। हम जल्दी ही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवा देंगे। युचिका उसकी ये सब बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अगस्त्य को थैंक्स बोलती है, और कुछ देर बाद वो अगस्त्य के साथ वहां से निकल जाती है। अगस्त्य उसे किसी अच्छे से बार में लेकर जाने को कहता है। युचिका उसे मुंबई के सबसे फेमस बार फर्जीना में लेकर आती है,
और दोनों वहां पर साथ में कुछ ड्रिंक्स लेते हैं। थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करने के बाद युचिका अगस्त्य को होटल में ड्रॉप कर देती है और फिर वी क्लब पहुंचती है, जहां सना और विडी वोडका के ग्लासेस हाथ में लिए उसी का इंतजार कर रही होती है। युचिका वहां पहुंचते ही तीनों के लिए स्पेशल ड्रिंक्स ऑर्डर करती है। उसे इतना खुश देखकर विडी बोलती है, क्या बात है युची, आज तो तू कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही है, कोई लॉटरी वॉटरी निकली है क्या? इस पर युची खुश होते हुए उसे जवाब देती है, लॉटरी तो नहीं निकली है, लेकिन मेरे पास बहुत ही खुशी की खबर है। ये सुनकर सना बीच में कहती है, तो पेट में दबाए क्यों घूम रही है, जल्दी बता। सना की बात सुनकर युचिका अगस्त्य को एयरपोर्ट से लाने से लेकर होटल छोड़कर आने तक की पूरी स्टोरी डिटेल में उन दोनों को सुना देती है, जिसे सुनकर दोनों ही खुश हो जाती है और एक साथ बोल पड़ती है, हमें सस्ते में निपटाने का इरादा है क्या? केवल ड्रिंक से बात नहीं बनने वाली, हमें तो बड़ी पार्टी चाहिए। तब तक वेटर उनके लिए वोडका सर्व करके चला जाता है, जो उनकी पहचान बन गई है, और फिर तीनों वोडका की और एक बड़ी बोतल लेकर निकल जाती है। रास्ते में से डिनर पैक करवा के तीनों युची के बंगलों पर पहुंच जाती है। खाना खाने के बाद तीनों लॉन में ही घास पर वोडका की बोतल और ग्लास लेकर बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती हुई टुन होकर वहीं पड़ जाती है। तीनों यूं ही एक दूसरे पर पड़ी हुई होती है कि एकदम से तेज बारिश शुरू हो जाती है और तभी वोडका गर्ल्स बारिश की वजह से खड़ी होकर अंदर की तरफ भागती है, पर सना वहीं रुककर बारिश को एंजॉय करने लगती है। उसे ऐसे बारिश में भीगता देख वीडी जोर से चिल्लाती है, अरे ओ सना, जल्दी अंदर आ, कल बीमार पड़ जाएगी तो रिकॉर्डिंग कैसे करेगी। ये सुनते ही सना दौड़ती हुई अंदर आ जाती है और फिर तीनों डिनर करके युची के बेड पर ढेर हो जाती है। अगली सुबह मुंबई में हल्की हल्की बारिश हो रही है। खुशनुमा मौसम के साथ ही सना के लिए भी आज का दिन बहुत ही खास होता है। आखिर बहुत इंतजार के बाद आज वो दिन सामने है जिसके लिए वो अपने गांव से इतनी दूर माया नगरी के नाम से मशहूर मुंबई शहर भाग आई थी। इसलिए सुबह वो जल्दी उठकर युचिका और वैदेही को जगाए बिना ही तैयार होने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तैयार हो पाती, युचिका और वैदेही की आंख भी खुल जाती है। उसे इतनी सुबह तैयार होता देख वैदेही हैरान होकर अपनी आंख मलते हुए कहती है, अरे इतनी जल्दी तैयार होकर तुम कहाँ जा रही हो सना? सना तैयार होते होते ही जवाब देती है, तुम्हें बताया तो था कि आज संतोष ने रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया है, बस उसी के लिए रेडी हो रही हूँ। अरे हाँ, तूने कहा तो था कुछ, साला दारू के चक्कर में भूल गई, वैदी अपने सिर पर हाथ मारकर बोलती है। चल सॉरी एंड ऑल द बेस्ट, फिर युचिका स्माइल करते हुए कहती है, ऑल द बेस्ट सना, तुम किसी एल्बम में पहली बार कोई सॉन्ग गाने जा रही हो, अगर ये सॉन्ग हिट हो जाता है तो एल्बम के दूसरे गाने भी डेफिनेटली तुम्हें ही दिए जाएंगे। सना मेकअप को लास्ट टच देते हुए बोलती है, आमीन, अल्लाह करे जैसा तुमने कहा बिल्कुल वैसा ही हो। सना तैयार होकर निकलने ही वाली होती है तभी वैदेही युचिका को देखते हुए पूछती है, आज का तुम्हारा क्या सीन है स्वीटी? युचिका आंख मारते हुए जवाब देती है, आज अगस्त्य को मुंबई घुमाना है, वैसे तो वो इम्प्रेस्ड है मेरी कंपनी से, मगर फिर भी देखती हूँ अगर और कुछ मिर्च मसाला लगा सकूं तो। सना को निकलता देख युची उससे कहती है, सना अगर थोड़ा वेट कर ले तो मैं तुझे स्टूडियो ड्रॉप कर दूंगी और उधर से अगस्त्य को पिक करने के लिए निकल जाऊंगी। तो सना मान जाती है और कहती है, ठीक है, वैसे भी मैं टाइम से पहले ही रेडी हो गई हूँ और तेरे साथ जाने में मुझे टैक्सी भी नहीं पकड़नी पड़ेगी। वैदी उन दोनों की बात सुनकर बोलती है, ठीक है, तब तक मैं भी सबके लिए कॉफी बना लेती हूँ। थोड़ी देर में युची रेडी हो जाती है और वीडी कॉफी बनाकर ले आती है। तीनों हॉल में बैठकर कॉफी खत्म करती है और सना अपना हैंडबैग और गिटार लेकर युची के साथ निकल जाती है। युची कार ड्राइव करते हुए सना से कहती है, सना क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है? इस पर सना मासूमियत से कहती है, कार ड्राइव करने का कभी ट्राई नहीं किया, मगर जब मैं गांव में थी तो मैं बाइक चलाया करती थी, पूरे गांव में बाइक रेसिंग में मुझे कोई हरा नहीं सकता था। तुम्हें पता है खालिद के पास रॉयल एनफील्ड थी, उसे चलाने का तो अपना ही मजा है। सना की बात और उसका लहजा सुनकर युची हंसने लगती है। सुबह का वक्त होने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता और वो दोनों हंसी मजाक करती जल्दी ही स्टूडियो पहुंच जाती है। सना को स्टूडियो के बाहर ही छोड़कर युची अगस्त्य को पिक करने उसके होटल की तरफ निकल जाती है। जैसे ही सना स्टूडियो में एंटर करती है तो वहां उसे आलोक नजर आता है
जिसे वहां देखकर सना थोड़ा शॉक हो जाती है। आगे क्या होगा? आखिर आलोक वहां क्या कर रहा है? क्या सना वाकई अपना सॉन्ग कर पाएगी या आलोक कोई मुसीबत खड़ी करेगा? क्या युचिका को अगस्त से कॉन्ट्रैक्ट मिल पाएगा? जानने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल पॉकेट एफएम और आरजे श्वेता के साथ। पॉकेट एफएम पे आप सुन रहे हैं एक अनोखी कहानी मेरे साथ यानी आरजे श्वेता के साथ। आलोक को स्टूडियो में देखकर सना बहुत हैरान रह जाती है, पर फिर किसी तरह खुद को संभाल कर अपने आप से बोलती है, सना जस्ट इग्नोर हिम, इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी है तो इसकी शक्ल तो देखनी पड़ेगी। तभी संतोष उसका आलोक से फॉर्मल इंट्रोडक्शन करवाते हुए उससे कहता है, सना ये है फेमस म्यूजिक डायरेक्टर आलोक कुमार, जो हमारे इस एल्बम के फाइनेंसर मिस्टर कपूर के साथ आए हैं, और अगर तुम्हारा ये सॉन्ग इन्हें पसंद आया तो समझो कि तुम्हें सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। सना संतोष की बात पर हाँ में सिर हिला देती है, मगर आलोक से ऐसे मिलती है जैसे कि वो उसे जानती ही नहीं हो और उससे पहली बार मिल रही हो। सना आलोक की प्रेजेंस से थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और फर्स्ट रिकॉर्डिंग होने की वजह से थोड़ी नर्वस हो जाती है, इसलिए संतोष उसे थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए बोलकर उसकी जगह किसी और की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करवा देता है। उस रिकॉर्डिंग के पूरा हो जाने पर सना अल्लाह को याद करते हुए संतोष के पास जाती है और कहती है कि वो रिकॉर्डिंग के लिए रेडी है, और रिकॉर्डिंग शुरू होते ही वो सॉन्ग का मुखड़ा एक ही टेक में पूरा कर देती है, जिसे एक ही शॉट में ओके भी कर दिया जाता है। आज के लिए केवल इतना ही, सना से इतना बोलकर संतोष रिकॉर्डिंग का पैकअप करवा कर उसे घर जाने के लिए कह देता है। और इधर आलोक कुमार उसकी आवाज सुनकर इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाता और मन ही मन में सोचता है कि उसने सना को अपने एल्बम में ना लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो सना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सना खुद को उससे दूर रखते हुए वहां से निकल जाती है। सना जैसे ही संतोष के स्टूडियो से निकलती है तो वो देखती है कि बाहर तेज बारिश शुरू हो रही होती है, लेकिन वो बारिश के रुकने का इंतजार किए बिना ही निकल पड़ती है। सना को बारिश में भीगने में बहुत मजा आ रहा होता है। वो यूं ही भीगते हुए धीरे धीरे टैक्सी स्टैंड की तरफ चलती जा रही है, मगर वो नहीं जानती कि मुंबई की बारिश एक बार जो शुरू हो जाए तो आसानी से रुकने का नाम नहीं लेती, और ऐसे मौसम में टैक्सी भी आसानी से नहीं मिल पाती। उधर सना को जाता हुआ देख आलोक भी किसी तरह जल्दी से उसके पीछे निकल जाता है और पार्किंग से अपनी कार निकाल कर उसी रास्ते पर चला जाता है जहां से सना चलते हुए जा रही थी। वो सना के पास जाकर अपनी कार रोक देता है, जिसे देखकर सना उसे गुस्से से घूरने लगती है। आलोक उसे कार में बैठने के लिए कहता है, लेकिन सना मना कर देती है और फिर से टैक्सी स्टैंड की तरफ चलने लगती है। तभी वहां से जा रही एक खाली टैक्सी को देखकर उसने रोकने के लिए सना अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन उससे पहले ही आलोक अपनी कार लेकर फिर उसके सामने आ जाता है और वो टैक्सी निकल जाती है। सना उसे गुस्से से घूरते हुए अपनी चाल थोड़ी तेज कर देती है और टैक्सी स्टैंड पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर कोई भी टैक्सी नहीं होती। ये देख सना इरिटेट हो जाती है और तभी आलोक अपनी कार लाकर फिर से उसके सामने खड़ी कर देता है और उसे कहता है, मिस सबीना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट डे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे अपनी गलती सुधारने का एटलीस्ट एक मौका तो दीजिए, मैं आपको कहीं छोड़ देता हूँ, वैसे भी इतनी बारिश में। उसके बाद पूरी खत्म करने से पहले ही सना उसकी कार में बैठ जाती है। आलोक साइड में बैठी सबीना को पूछता है, तो सबीना आपको कहाँ छोड़ना है? वी क्लब। उसके ये बोलते ही आलोक उसी ओर अपनी कार दौड़ा देता है। रास्ते में आलोक सबीना को मनाने वाले अंदाज में कहता है, सबीना तुम रियली बहुत अच्छा गाती हो, काश कि मैंने तुम्हारे साथ उस तरह बिहेव ना किया होता और तुम्हें अपने एल्बम में गाने दिया होता, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां थी जो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऑफर कर सकता हूँ कि तुम मेरे एल्बम को रिकॉर्ड करो, जिसे हम संतोष से भी पहले रिलीज कर सकते हैं और तुम रातों रात स्टार बन सकती हो। सना चुपचाप उसकी सारी बातें सुनती रहती है, मगर कुछ भी नहीं बोलती। आलोक उसे और भी लालच देता है, लेकिन अल्टीमेटली सना संतोष को चीट करने से मना कर देती है और आलोक से गाड़ी रोकने के लिए कहती है, प्लीज स्टॉप द कार, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी।
मगर आलोक उसे वी क्लब ही ले जाकर छोड़ता है और खुद कार पार्क करने चला जाता है। सना क्लब के अंदर चली जाती है और वैदी को ढूंढती है, मगर उसे वो पूरे क्लब में कहीं नहीं मिलती। सना उसे फोन भी करती है तो वो फोन भी रिसीव नहीं करती। वो उदास होकर बार के सामने ही एक टेबल पर बैठ जाती है और वेटर को एक वोडका का लार्ज पेग बनाने को बोलती है। वेटर ड्रिंक सर्व करके चला जाता है। सना अपना पेग खत्म करके नेक्स्ट के लिए बोलनी ही वाली होती है कि तभी आलोक क्लब में एंटर हो जाता है और सबीना को अकेले बैठते देख उसी की टेबल पर आकर बैठ जाता है। उसके वहां आते ही सना उठने लगती है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और आलोक उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। कुछ नशे की हालत और कुछ आलोक से पुराने अटैचमेंट की बदौलत सना खुद को आलोक की बाहों से नहीं छुड़वाती, और वही आलोक तो जैसे उसके हुस्न के जाल में कैद हो जा रहा होता है। वो हुस्न जो वीडियो और युचिका के साथ रहकर और मुंबई के एटमॉस्फेयर में ढलकर और ज्यादा ही उभर गया है। धीरे धीरे दोनों की धड़कनें बढ़ती जा रही है और दोनों के होंठ एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और बिना किसी की परवाह किए आखिर दोनों एक दूसरे को किस कर ही देते हैं। तभी वहां मौजूद लोगों में से कुछ उन्हें देखकर तालियां बजाने लगते हैं और सना और आलोक जैसे किसी ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हैं और एक दूसरे से अलग होकर चेयर पर बैठ जाते हैं। आलोक वेटर को कहकर दोनों के लिए ड्रिंक्स मंगवाता है। कुछ ही देर में वेटर ड्रिंक सर्व करके चला जाता है। तब तक दोनों चुप ही रहते हैं। कुछ देर बाद अपनी ड्रिंक पीते हुए आलोक सना से कहता है, सबीना आई लव यू। पता नहीं कैसे पर सबीना भी उसे आई लव यू टू बोल देती है। आलोक उसका ये जवाब सुनकर खड़ा हो उसके पास आ जाता है और उसे एक टाइट हग कर देता है। वहीं दूसरी ओर वैदेही सुबह सना और युची के निकल जाने के बाद अपने घर आ जाती है और अकेली बैठी बोर होती रहती है, मगर उसका क्लब जाने का मन बिल्कुल नहीं है। वो यूं ही बालकनी में लगे झूले पर बैठी अपने फोन में ईयर प्लग्स लगाकर पॉकेट एफएम पर कोई शो सुन रही है। तब तक रमा दीदी भी अपना काम पूरा कर चुकी होती है। तभी वो वीडी से आकर पूछती है, दीदी आपको कुछ चाहिए? दीदी आज एक अच्छी सी कॉफी पिला दो। अभी लाई दीदी। कुछ ही देर में रमा उसके लिए कॉफी लेकर आती है। कॉफी पीते हुए ही वो यूं ही शो चेंज कर देती है, मगर उसका मन उसमें भी नहीं लगता। 3 घंटे बीत जाने के बाद भी वो घर में बैठी रहती है। उसका ना कहीं बाहर जाने का मन होता है, ना ही घर में बैठने का। तभी उसके मोबाइल पर किसी का फोन आता है और उसके चेहरे पर चमक और होठों पर मुस्कान आ जाती है। आगे क्या होगा? आखिर किसका फोन आया होगा वीरी को कि उसके बेजान चेहरे पर अचानक से यूं ही रौनक आ गई है? और क्या आलोक वाकई सना से प्यार करता है या ये भी उसका कोई नाटक है? जानने के लिए बने रहिए वोडका गर्ल्स में आपके अपने चैनल पॉकेट एफएम पर आरजे श्वेता के साथ।